नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एटॉमिक ग्लोबल नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं टीम वॉरियर फैमिली की तरफ से आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं राठौड़ बोल रहा हूं दिल्ली से। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एटॉमी का जो प्रोफाइल है उसके बारे में, एटॉमी की जो बैकग्राउंड है उसके बारे में, और एटॉमी की जो कंपनी है दूसरी कंपनियों से किस प्रकार से बेहतर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने एटॉमी कंपनी ज्वाइन कर ली है या आप एटॉमी कंपनी को ज्वाइन करने वाले हैं तो एटॉमी की जो वर्ल्ड वाइड की बेस्ट कंपनी है आपको एक बेहतर कैरियर कैसे दे सकती है और लाइफ लॉन्ग एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी कैसे दे सकती है और आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है ये कंपनी। और ये इसका जो विज़न है 100+ ईयर्स के लिए इंडिया में आ रही है, कोई 1-2 साल के लिए नहीं आ रही, 100+ ईयर्स के लिए आ रही है ये इंडिया में। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो प्रोफाइल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आगे बढ़े से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ हमारे जो टॉप मेंटर हैं, और मिस्टर जुंग मैन पारक है, ये हमारे स्टार मास्टर है राइट साइड में जिनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं, और लेफ्ट साइड में जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं वो डायमंड मास्टर यूरिवॉन है। ठीक है, और टीम वॉरियर सोशल मीडिया पेज पे आप ज्वाइन कर सकते हो हमें, फेसबुक के ऊपर पेजेस हैं, ग्रुप्स हैं हमारे और यूट्यूब चैनल्स हैं हमारे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो एटॉमी इंडिया टीम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी एटॉमी इंडिया टीम वॉरियर है, सेंटर में जो ऊपर आप टॉप में देख रहे हैं वो हमारी 4th इम्पीरियल मास्टर है किम सोन यू। ठीक है, ये एटॉमी की 4th इम्पीरियल मास्टर है जो कि साउथ कोरिया से है, और ये इंटरनेशनल हमारी टीम्स के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी फ़ोटो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एटॉमी के सीईओ के बारे में। तो दोस्तों, एटॉमी के जो सीईओ हैं उनका नाम है मिस्टर हैंगिल्स पारक। ठीक है, ये साउथ कोरिया से हैं और कंपनी के प्रेसिडेंट हैं अभी। ठीक है, और इनका जो प्रोफाइल है, प्रोमिसिस हैं, फिलोसफी हैं वो अलग प्रकार से है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, एटॉमी के जो सीईओ हैं ये एमबीए इन्होंने कर रखी है वो सुंग यूनिवर्सिटी से, और साउथ कोरिया में व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस है इनका 17 साल का। इनका जो पास्ट का रिकॉर्ड है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, साउथ कोरिया में 17 साल का इनका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो 20 साल का इनका। 1995 में इन्होंने टॉप नेटवर्क मार्केटिंग पोजीशन अचीव की थी, और 99 में इन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप क्लब ग्रैंड प्राइज अवार्ड मिला था इनको कोरिया नेटवर्क मार्केटिंग से, और सन 2000 में इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग मॉल की स्थापना की थी जिसमें 10,000 प्रोडक्ट्स थे। ठीक है दोस्तों, 1,00,000 प्रोडक्ट्स थे, और 2009 में इन्होंने एटॉमी की कंपनी की स्थापना की, और 2013 में ये वाइस प्रेसिडेंट बने कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में। कोरिया में डायरेक्ट सेलिंग की जो एसोसिएशन है उसके ये प्रेसिडेंट बन गए थे 2013 में, और 2015 में इन्होंने $70 मिलियन का जो एक्सपोर्ट टावल्स अवार्ड इन्होंने जीता था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन के रहते हुए। 2018 में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन ग्रैंड प्राइज इनको मिला था, और 2019 में ये 11वें प्रेसिडेंट बन गए थे कोरियन डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन के, और काउंसिल मेंबर ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड फेडरेशन है WFDSA के मेंबर भी ये बन चुके थे 2019 में, और $100 मिलियन का एक्सपोर्ट टावल्स अवार्ड इनको 2019 में मिल चुका है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एटॉमी के पीछे दो कंपनियाँ काम करती हैं, एक तो कोलमार और एक कैरी। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कोलमार BNH की कंपनी करती है। ठीक है, हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, हीमो हो गया, हेल्थ के प्रोडक्ट्स हो गए, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स और प्रोपिल्स टूथपेस्ट के। और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं ये राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये पार्टनर कंपनियाँ हैं। तो एटॉमी की ग्रोथ के साथ साथ कितनी कंपनियों की ग्रोथ एटॉमी के द्वारा हो रही है वो आप देख सकते हो। ठीक है, ये राइट साइड में जितनी भी कंपनियां हैं इन सब के पेटेंट प्रोडक्ट्स एटॉमी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, और इन सब की ग्रोथ एटॉमी की कंपनी के साथ ही हो रही है। ठीक है, जो कोलमार BNH की जो कंपनी है पूरे वर्ल्ड में OEM और ODM के मामले में फेमस है। दोस्तों, OEM होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, और ODM होता है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग। जिस तरह से प्रोडक्ट्स का जो डिज़ाइन है वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। ठीक है, और ये कोलमार BNH की जो कंपनी है कोलमार से उठा करके इसका नाम कोलमार BNH किया गया था, अलग से बनाई गई थी ये कंपनी, 2004 में एस्टैब्लिश हुआ था ये कंपनी। ठीक है, कोलमार BNH
ब्यूटी एंड हेल्थ के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं, और ये फर्स्ट गवर्नमेंट रिसर्च लेबोरेटरी कंपनी है यहाँ पे, ठीक है। कोलमार के जो कोलमार बीएनएच की जो कंपनी है, ये फर्स्ट गवर्नमेंट ओरिएंटेड रिसर्च लेबोरेटरी कंपनी है दोस्तों, और 2015 में ये रजिस्टर्ड हुई थी कोस KOSDOQ में, ठीक है। और जितनी भी रिसर्च होती है R&D कोलमार बीएनएच में होती है कैरी के बाद, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं। उसके बाद जो कोलमार कोरिया है उसके बारे में मैं एक और नई चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों एट प्रेजेंट 1990 से लेकर के अब तक नाइन ग्लोबल ब्रांचेज ओपन हो चुकी है 9 कंट्रीज में कोलमार के नाम से, ठीक है। कोलमार ने अपने प्लांट सेटअप कर रखे हैं 2019 तक 9 कंट्रीज में, ठीक है। और ODM टोटल सर्विस नंबर 1 कोरियन कंपनी कोलमार, ओके। और ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग की जो ये कंपनी है, ये कोलमार कोरिया की नंबर 1 कंपनी है, और जितने भी इसके जो ब्रांचेज हैं उसमें इसकी सारी सर्विस रहती हैं, ठीक है। तो इसके 9 कंट्री में इसकी ग्लोबल ब्रांच ओपन हो चुकी है ऑलरेडी, और आने वाले टाइम में इंडिया में भी इसकी ब्रांच ओपन होने वाली है, टाइम पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैरी। कैरी की जो कंपनी है ये कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये साउथ कोरिया की कैरी और कोलमार दोनों जो कंपनी हैं साउथ कोरिया की मिनिस्ट्री ऑफ टेक एंड एजुकेशन के अंडर आती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एटॉमी के पीछे गवर्नमेंट बैकअप की दो बहुत ही बेहतरीन कंपनियां हैं। कैरी की जो कंपनी है इसके पास 3000 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं और 1500 से ज़्यादा इसके पास PhDs हैं। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट वो ऑलरेडी इसमें जो रिसर्च होते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये डेवलप करते हैं कोल्ड न्यूट्रन रिसर्च फैसिलिटी इन नीदरलैंड और फ्रांस में, जर्मनी में, रशिया में, बहुत से कंट्रीज में। नासा के बाद नंबर 2 पे आती है ये कंपनी रिसर्च के मामले में, ठीक है। हाईली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अराउंड द वर्ल्ड माना जाता है कैरी को, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पेटेंट फार्मूले सब इसी में रिसर्च होते हैं सबसे पहले, उसके बाद कोलमार में सेंड किए जाते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। तो कैरी की कंपनी का जो हिस्ट्री है अपने आप में बहुत ही बेहतरीन हिस्ट्री है दोस्तों, ठीक है। और एटॉमी की जो पार्टनर कंपनियां हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो जितनी कंपनियां आप देख रहे हो इन कंपनियों के पेटेंट प्रोडक्ट हैं, और एटॉमी की कंपनी के साथ साथ दोस्तों इन कंपनियों की भी म्यूचुअल ग्रोथ हो रही है वर्ल्ड में इंटरनेशनली, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, एटॉमी के साथ ये जो कंपनियां जुड़ी हैं इनका फ्यूचर चेंज हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और सबसे पहले जो आप किसी भी कंपनी को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जैसे एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है, एक दूसरे के फैमिलीज के बारे में, बैकग्राउंड्स के बारे में वो देखते हैं, इसी प्रकार से आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उस कंपनी का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सबसे पहले तो बैकग्राउंड के मामले में ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, ठीक है। और कंपनी का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कोलमार बीएनएच भी, उसका भी कोई जवाब नहीं है। ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स हेल्थ सप्लीमेंट्स के मामले में दुनिया में नंबर 1 है कोलमार की कंपनी, और कोलमार की कंपनी बहुत सारी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है काफ़ी सालों से, ठीक है। और इंडिया में जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां काम कर रही हैं उनके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम भी कोलमार की कंपनी करती है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपको कंपनी का बैकग्राउंड देखना होता है। दूसरी चीज़ प्रोडक्ट की क्वालिटी के मामले में इनका एक लोगो है एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, आपको कम प्राइस में बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रही है कंपनी, ठीक है। और ये वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन ई शॉपिंग पोर्टल के में, जैसे आप अमेजन और फ्लिपकार्ट पे एक कंज्यूमर आईडी क्रिएट करके वहाँ पे आप प्रोडक्ट बाई करते हैं, बस आप पे करेंगे प्रोडक्ट आपके घर पे आएगा, इतना ही करते हो आप अमेजन और फ्लिपकार्ट से, ठीक है। सेम वे में एटॉमी में अगर आप एक कंज्यूमर आईडी क्रिएट करते हैं, आप अपना प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, तो प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको सेटिस्फेक्शन गारंटी भी मिलेगी दोस्तों। अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं लिमिटेड टाइम के दौरान, और लिमिटेड उसमें आपका प्रोडक्ट जो यूज़ हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये गारंटी कंपनी वही कंपनी देगी जिसको अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास है, ठीक है। और साथ में आपको 3 जनरेशन तक आपको लॉन्ग टाइम अर्निंग की एक अपॉर्चुनिटी देती है लाइफ लॉन्ग एटॉमी की कंपनी, अगर आप यहाँ पर टीम क्रिएट करते हैं तो, ठीक है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप मिस मत कीजिए, इसको आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और इसका जो फ्यूचर का जो विजन है इसका दोस्तों, डायरेक्ट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि इनकी जो टक्कर है अमेजन को बीट करना है डायरेक्ट, अमेजन और अलीबाबा जो पूरे वर्ल्ड में
बहुत बड़ी ई कॉमर्स की कंपनियाँ हैं, ठीक है, तो बहुत जल्दी ये अमेजन को बीट कर जाएगी ये कंपनी आने वाले सालों में। हर साल ये 3 से 4 कंट्री ओपन कर रहे हैं हर साल, तो आने वाले टाइम में और पास्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें इसका 10 साल का, तो बहुत बेहतरीन है दोस्तों। कई कंट्रीज़ में इसको सुपर ब्रांड के अवार्ड्स मिल चुके हैं, जापान जैसे कंट्री में दोस्तों इसको नंबर 1 पोजीशन गेन कर चुकी हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स को हरा करके, ठीक है। तो इंडिया और चाइना में ये लॉन्चिंग होनी है अगले साल 2020 में, और इंडिया और चाइना की जो इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, और इंडिया में लॉन्च होने के बाद एक रिकॉर्ड क्रिएट होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और सारे रिसर्च प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इसका जो प्रोमिस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एटोमी का जो मेन मोटो है वो कस्टमर की सक्सेस को डेवलप करना है, कि जितने भी जो इसके कस्टमर्स इसमें ज्वाइन होते हैं उसके सक्सेस इसका पहला मोटो है, ठीक है। और जितने भी जो कंपनी है लीडिंग प्रीमियर कंपनी, और ये पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब बनना चाहता है, जैसे अमेजन काम कर रहा है उसी तरह से एटोमी पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन का हब बन करके एक लीडिंग कंपनी बनना चाहती है। हर कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग में ये नंबर 1 पोजीशन गेन करना चाहती है, नंबर 1 पोजीशन गेन करके इसके MD बनना है मिस्टर हैंगल्स बार को, हर कंट्री में टॉप पोजीशन चाहते हैं वो, ये इसका मोटो है। और जितने भी कस्टमर्स जितने भी लीडर्स इसके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी सक्सेस इसका प्रायोरिटी फीचर है, फर्स्ट फीचर, ठीक है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब बनना है और पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी बनना है इनका टारगेट, और ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोस्तों। पिछले 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसका, और हर कंट्री में इसने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, और इंडिया में इतना बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है दोस्तों आप बिलीव नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि कंपनी का जो प्लान है, प्रोडक्ट्स हैं, विजन है बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। नेक्स्ट कोरिया नंबर 1। पिछले जो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड की हम बात कर रहे थे उसमें इन्होंने 13 ग्लोबल ब्रांचेस, का मतलब ये है कि 13 कंट्री में एटोमी की जो कंपनी है पूरी तरह ऑपरेशनल है। आप सिंगल आईडी ग्लोबल आईडी के माध्यम से आप किसी भी कंट्री के लीडर्स को ज्वाइन करवा सकते हैं अपने लेफ्ट और राइट में किसी भी कंट्री को, और उसका जो बिजनेस होगा पूरा पे आउट आपको मिलेगा, ठीक है। $1 बिलियन सेल्स हो चुकी हैं इसकी 2019 तक, $1 बिलियन सेल्स दोस्तों, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। 5 मिलियन मेंबर्स हो चुके हैं इसके, 5 मिलियन मेंबर्स भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों, आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा इसके मेंबर्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो पिछले 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही बेहतरीन है इसका, ठीक है दोस्तों। इसको बनना है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब। एटोमी की जो कंपनी है ये ऑनलाइन ई शॉपिंग पोर्टल में सिर्फ प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और बनाने का काम करती है कोलमार BNH की कंपनी, और रिसर्च का काम करती है कैरी की कंपनी। जैसे आप ज्वाइन होते हो एटोमी में, एटोमी कस्टमर्स जितने भी ज्वाइन होते हैं कोलमार कोरिया और कैरी, तो कोलमार का जो इसमें 79% है इस कंपनी में शेयर्स हैं, और 21 शेयर्स हैं कैरी की कंपनी का, ठीक है। 79% कोलमार की कंपनी के टेक्निकल शेयर्स हैं, और 21% जो टेक्नोलॉजी में जो खर्च होता है वो है इनका, ठीक है। तो इतना दोनों का आपस में शेयर्स हैं, इन दोनों ने जॉइंट वेंचर से एक कोलमार BNH की कंपनी बनाई है जो कि प्रोडक्ट अभी बनाती है, क्योंकि कोलमार कोरिया और कैरी ये गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, तो गवर्नमेंट की कंपनी MLM सेक्टर में नहीं आ सकती, इसलिए इन दोनों ने मिलकर कोलमार BNH की कंपनी बनाई जो कि प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग अभी कर रही है, ठीक है, और अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको ये सक्सेस दे रही है, ठीक है। कोरिया नंबर 1 इनका मेन टारगेट है ऑनलाइन शॉपिंग मॉल में। इसकी जो वेबसाइट है कोरिया की वो www.atomy.kr है, और ये जो डायरेक्ट सेल्स करते हैं कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर्स का, और जो बीच का कमीशन है वो इसमें कभी नहीं है, ठीक है। कंपनी से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा डायरेक्ट आपके घर पे आएगा, बीच में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं ये, और जो भी प्रॉफिट बीच में होता था वो अपने यूजर्स को देती है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए। और इसकी अभी 14 ब्रांच ओपन हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, इंडिया को इंक्लूड करके अगले साल होने वाला है इसमें, और इसको ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब बनना है, और ग्लोबली इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो जा रहे हैं ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स हेल्थ सप्लीमेंट्स के, और 2009 से लेकर के अब तक कोरिया में ये नंबर 1 कंपनी है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के मामले में, नंबर 1 कंपनी कोरिया में, ठीक है।
और इसके जो डायरेक्ट सेल्स के बारे में हम डिस्कस करें, जब जो डायरेक्ट सेल्स हैं इसकी जब से कंपनी जो लॉन्च हुई है तब से लेकर के अब तक इसका जो रिकॉर्ड है डे बाय डे इसका बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, कोलवार BNH की जो कंपनी है, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे आप किसी दूसरी कंपनी में जुड़ते हो वहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाती हैं, सेम चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है किसी भी कंपनी का, तो उसको एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, उसके बीच में कुछ एजेंट्स होते हैं और उसके जो कुछ स्टोर्स ओपन किए जाते हैं, और उसके बाद वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग होकर के वो प्रोडक्ट कंपनी तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एडवर्टाइजमेंट, एजेंट, स्टोर, ये तीनों यहाँ पे हटा दिए गए हैं। तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग होकर के आप तक पहुँच रहा है, बीच के जो 3 से 4 हैं ये सब कंपनी में नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करती कंपनी, कोई एजेंट नहीं है इसका और कोई भी स्टोर नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके जो प्रोडक्ट हैं। अभी कोरिया में 400 से ज़्यादा इसके डेली यूज के प्रोडक्ट चल रहे हैं कोरिया में ऑनलाइन माल में। ठीक है, और 600 प्लस इसके प्रोडक्ट्स वहाँ पे हैं, आप यूज़ कर सकते हो, ब्यूटी, हेल्थ, बॉडी, लिविंग केयर और फूड केयर। ठीक है, और 14 कंट्री जो राइट साइड में दिखा रखे हैं, USA, जापान, कनाडा, ताइवान, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, मैक्सिको, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रशिया, तो ये सारे यहाँ पे इस एटोमी ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं। और यहाँ पे आप अगर आपकी टीम इन कंट्रीज में है तो सिंगल आईडी, ग्लोबल आईडी आप अपनी टीम को ज्वाइन करवा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसी भी कंट्री में, और 14 जो कंट्रीज है वो मैप में दिखा रखे हैं यहाँ पे 2009 से लेकर के 2019 तक, अभी तक इतने कंट्रीज आ चुके हैं 2020, 21 और 22। नेक्स्ट जो है वो 30 कंट्री में इनका जाने का प्लान है अभी आने वाले 2 से 3 साल के अंदर अंदर, काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है, इसका जो 2009 का ट्रैक रिकॉर्ड है ग्लोबल सेल्स का उसके बारे में हम बताएंगे। अभी तक 10 साल में कंपनी की $1.2 बिलियन सेल्स हो चुकी है 2019 तक, जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ठीक है, 2009 से लेकर 2019 तक हम कंपेयर करें तो इसकी $1.2 बिलियन सेल्स हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, और एक्सपोर्ट के मामले में $100 मिलियन एक्सपोर्ट टावल अवार्ड ये कंपनी ले चुकी है। 2019 में भी इसको अवार्ड मिला है, 2013, 15, 16, 17, 18, 19 में इसको अवार्ड मिल चुका है $100 मिलियन एक्सपोर्ट टावल अवार्ड, बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। और इसके 3.5 मिलियन मेंबर्स हैं, फाइव मिलियन एटोमी के मेंबर्स हैं ग्लोबली। ठीक है, और जिसमें से 3.5 मिलियन कोरियन मेंबर्स हैं और 1.5 मिलियन ग्लोबल मेंबर्स हैं इसके, तो काफ़ी बड़ी बात है दोस्तों। ठीक है, और एक इसका लोगो है मास्टिज, मास प्लस प्रेस्टीज प्रोडक्ट, एब्सोल्यूट प्राइस एब्सोल्यूट क्वालिटी, तो एब्सोल्यूट प्रोडक्ट्स इक्वल टू मास्टिज, यानी कि एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस पे आपको कंपनी दे रही है, कम प्राइस में आपको बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट दे रही है और मास में इसका प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है, हर प्रोडक्ट की क्वालिटी। GS का मतलब होता है ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स। एटोमी क्या कर रही है, ग्लोबल सोर्सिंग कर रही है। ग्लोबल सोर्सिंग का मतलब अपने जो प्रोडक्ट्स हैं जितने भी कंट्री में ऑफिशियल लॉन्च करती है वहाँ पे ग्लोबल सोर्सिंग कर रही है कोरिया से, और ग्लोबल सेल्स हो रही है उसकी अक्रॉस द कंट्री, वर्ल्ड टू वर्ल्ड, अलग अलग कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, जैसे कि एटोमी ताइवान है, कंबोडिया है, जापान है, तो ये कंबोडिया का जो ब्लैक पेपर है वो काफ़ी फेमस है, जापान का जो अंडरगारमेंट्स है वो काफ़ी फेमस है, और ताइवान का ऑयल पैच एंड सैंडविच लेवल वो काफ़ी बढ़िया है। तो ग्लोबल सोर्सिंग का मतलब क्या है कि जिस भी कंट्री का कोई बेहतरीन ब्रांड प्रोडक्ट है, पूरे वर्ल्ड में नंबर वन है, वो प्रोडक्ट्स को भी एटोमी अपने ग्लोबल सोर्सिंग और ग्लोबल सेल्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, कल्चर, तो इसका जो प्रिंसिपल सेंटर्ड है म्यूचुअल ग्रोथ और शेयरिंग कल्चर, तो सबसे पहले इसका जो प्रिंसिपल सेंटर्ड है उसमें इन्होंने बोला है कि कीप द रूल बिटवीन कस्टमर एंड कंपनी, जितने भी रूल एंड रेगुलेशन हैं नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रिंसिपल है, जितने भी रूल है वो कंपनी और कस्टमर के बीच में फॉलो होना चाहिए, बाकी थर्ड पार्टी का उसमें कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, म्यूचुअल ग्रोथ का मतलब ये है कि इस कंपनियों के साथ जो दूसरी कंपनियां भी जुड़ी हुई हैं उन सबकी म्यूचुअल ग्रोथ, टू मेंटेन एब्सोल्यूट प्राइस एब्सोल्यूट क्वालिटी, जो भी पार्टनरशिप कंपनियां हैं, जो भी सपोर्टिंग पार्टनर कंपनियां हैं, उन सबकी एटोमी की कंपनी के साथ म्यूचुअल ग्रोथ हो रही है। शेयरिंग कल्चर, प्रोमोटिंग शेयरिंग कल्चर,
रोल मॉडल बिटवीन सोसाइटी एंड कंपनी, और इस कंपनी को सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ा रोल मॉडल बनना है और अपना जो कल्चर है वो शेयर करते हुए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। तो ये बहुत बेहतरीन कल्चर है एटोमी का, जो कि आपको एक फ्यूचर का बहुत ही बढ़िया विजन देता है दोस्तों, ठीक है। और एटोमी पार्क, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, 2019 में हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि दोस्तों एटोमी पार्क को यूएसए ने पूरे वर्ल्ड में बेस्ट मास्टर प्राइज का अवार्ड दिया है। दोस्तों बेस्ट मास्टर प्राइज आर्किटेक्चर का अवार्ड एटोमी पार्क को मिल चुका है, जो कि बहुत बेहतरीन है दोस्तों, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि इसको जो एटोमी पार्क का जो डिजाइन किया गया है उसको बेस्ट आर्किटेक्चर का अवार्ड मिल चुका है यूएसए की तरफ से मास्टर प्राइज में, ठीक है। और एटोमी का मोटो है, सबसे पहले तो इसका जो मोटो है वो डिस्कस करेंगे हम अभी। एटोमी का मोटो, चेरिश द स्प्रिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमैनिटी। चेरिश द स्प्रिट का मतलब क्या है कि हमें अपने आसपास का जो वातावरण है वो खुश रहना चाहिए, हमारे आसपास का जो वातावरण है हमें एंजॉय करना चाहिए सक्सेस के साथ। चेरिश द स्प्रिट, हमारी सक्सेस और जितने भी एटोमी के मेंबर्स हैं सबकी सक्सेस इसका मोटो है, ठीक है। क्रिएट द विजन, आपको अपना विजन क्रिएट करना है जब आप एटोमी के अंदर इंट्रोड्यूस होते हो, लॉन्चिंग के टाइम जैसे भी आप रिक्रूटमेंट होते हो एटोमी में, तो आपका विजन होना चाहिए कि आपको एटोमी में सेल्स मास्टर बनना है, डायमंड मास्टर बनना है, शेरोन रोज मास्टर बनना है। एक विजन के साथ आपको एटोमी में काम करना है कि मेरे को इंपीरियल मास्टर बनना है एंड आई विल डू इट, आई विल अचीव इट, ओके, डेफिनेटली, ओके। तो ये आपको एक अपना विजन क्रिएट करना है, और इस विजन के साथ साथ आपको अपने आप में विश्वास रखना है, फॉलो द फेथ कि यस आई कैन डू, इफ अदर्स कैन डू व्हाई शुड आई, ओके। आप ये सब कर सकते हो फॉलो द फेथ, अगर आपके अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास है तो, ठीक है। एटोमी में विश्वास करके आप बहुत बड़ा काम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और आपके जितने भी सपने हैं वो यहाँ पे आपके हो सकते हैं, बिल्कुल साकार हो सकते हैं, ठीक है। सर्व इन ह्यूमिलिटी, वी मस्ट बी हम्बल ऑन द बेस, इट मेक ए ड्रीम कम्स टू। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई आदमी बड़ी पोजीशन अचीव कर लेता है, तो एक कहावत है कि जब आप एक अच्छी पोजीशन अचीव कर लेते हो, बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास आ जाता है, तो आप में ईगो नहीं आना चाहिए। कुछ लोगों में ईगो आ जाता है, तो एक कहावत है कि जब आप एक अच्छी पोजीशन और एक अच्छा रिस्पेक्ट और एक अच्छा पैसा रन कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो ईगो है वो ज़मीन पे होना चाहिए, ना कि आसमान पे, ठीक है। आपके जो फिट हैं वो आसमान पे नहीं होने चाहिए, वो ज़मीन पे होने चाहिए। आपके सर के ऊपर स्काई होना चाहिए, और आपके जो फिट है वो ज़मीन पे होना चाहिए, हवा में नहीं होने चाहिए। तो इसका शॉर्टकट मतलब वही है कि आपको अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो मोटो है बिल्कुल क्लियर है, चेरिश द स्प्रिट, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, सर्व इन ह्यूमिलिटी। और आपको जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उसमें इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना है, सबकी सेवा करनी है, ठीक है, ओके दोस्तों। तो ह्यूमन बींग का जो भी गोल होता है, वो आपके जितने भी ड्रीम्स होते हैं वो यहाँ पे आप सक्सेस ले सकते हो, और फ्यूचर का कोई भी आप प्लान बना सकते हैं, आपका कोई भी सपना बना सकते हैं जो कि एटोमी आपका पूरा करेगी। और आपको विश्वास करना पड़ेगा यहाँ पे अपने विजन को लेकर के, ठीक है। अपने आप में विश्वास करना पड़ेगा, और अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने ऊपर विश्वास होना पड़ेगा, कंपनी पे विश्वास करना पड़ेगा, और आपका जो एटीट्यूड है बिल्कुल साधारण होना चाहिए, ईगो नहीं आना चाहिए आपके एटीट्यूड में, और कंपनी आपके सारे जो सपने वो पूरे करेगी, और आपको मानवता की सेवा करनी है कंपनी के माध्यम से। आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो कंपनी के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। और आप अपनी टीम को सपोर्ट कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो ये मोटो एटोमी की जो कंपनी का है वो बहुत बड़ा मोटो है, ऊपर लिखा हुआ है क्लियरली, ड्रीम केम ट्रू इन 10 ईयर्स, अनदर ड्रीम विल कम ट्रू इन 100 ईयर्स। पिछले 10 साल में काफ़ी लोगों के सपने साकार हुए हैं दोस्तों। आप एटोमी के बारे में देखो, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं भी देखो, कोई भी वीडियो देखो, जो सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने अचीवमेंट किया है, सबके सपने साकार हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और आगे आने वाले 100 सालों तक सबके सपने साकार होते रहेंगे, यही एटोमी का मेन विजन है दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप एटोमी की जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है टीम वॉरियर का, एटोमी टीम वॉरियर का जो एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों काफ़ी बेस्ट है, अगर आप उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको एटोमी एजुकेशन सिस्टम की पूरी सपोर्ट मिलेगी। और आप इस चैनल के साथ जुड़िए, आप जितने भी हमारे लीडर्स हैं नेशनली इंटरनेशनली आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको और आपकी जो पूरी टीम है उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा एटोमी
टीम वॉरियर की तरफ से। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए दोस्तों। और ये हमारे जो टीम लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं इंडिया से, मिस्टर किंजल सर, मिस्टर राजू सर, माई सेल्फ, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको और आपकी टीम को पूरा टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम का सहयोग मिलेगा पूरा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।